अरे देखन मा छोटे लगे पर घाव करे गंभीर, स्टाइल में फेल है चाहे शाहरुख के रणबीर। भोले बहुत है रंगीन बहुत है, रूठे कभी तो हो संगीन बहुत है। नाच नचावे जो पंगा ले इनसे, ताली पे दे देता है। चाहे तो हर कोई पर मुश्किल से खिलते, हर गुदड़ी में ऐसे लाल। आज खुश तो बहुत होगे तुम, जुगाड़ू तुम्हारी दर पर आ गया है। तुम्हें देखकर कौन खुश होगा? हमारी अम्मा कहाँ है? तुम्हारी अम्मा? आज तक हमने तो अपनी अम्मा नहीं देखी। पर हमारे पापा तो कहीं की अम्मा ईश्वर के सत्संग में गई हैं। हमारा सत्संग? भैया हमारा तो सिर्फ इन्हीं का संग रहा है। अरे तो तुम्हारे सत्संग में नहीं तो फिर किसके सत्संग में गई हैं? हमको का पता? हाँ सुना है हमने पटकापुर में कोई गुरुजी आए हैं, शायद उन्हीं के सत्संग में गई होंगी। भैया तुम्हारी क्या परेशानी है बालक? गुरुजी हमारी परेशानी है कि हमारी कोई परेशानी ही नहीं। जब तुम्हारी कोई परेशानी ही नहीं है फिर यहाँ कहे के लिए आए हो? परेशानी हमको नहीं है बाबा जी, हमारे पड़ोस वाली छमिया को है। जब जब हमको देखती हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती है। कुछ ऐसा कीजिए ना गुरुजी कि हनुमान चालीसा के बजाय हमारा प्रेम पत्र पढ़ के पगला जाए। तो प्रेम का चक्कर है? ये कहाँ है? जाओ इसे तुम पहला प्रेम पत्र लिखो। धीरज रखो, जैसे जैसे चमत्कारी लिखे को पड़ेगी वैसे वैसे तेरे प्रेम पास में आती जाएगी। लो ले जाओ। हम इससे रोज प्रेम पत्र लिखेंगे पड़ोसन को। पगला गया क्या? धीरे बोल। अपन कह रहे हैं जब आशीर्वाद मिल गया है तो इसमें एक पे कंसंट्रेट काहे हो? अब तो हम सबको प्रेम पत्र लिख डालेंगे। तुम्हारी क्या परेशानी है कन्ये? हमें जिंदगी का बहुत बड़ा सपना है गुरुजी, हमके कोई लड़का भगा के ले जाए। लेकिन जब भी हम भागने का प्लान बनाते हैं कमबख्त लड़का ही भाग जाता है। क्या कोई लड़का हमें मिलेगा गुरुजी जो हमके भगा के ले जाएगा? अवश्य मिलेगा बालिके, और तुम्हें भगा के भी लेके जाएगा वो। सच गुरुजी? वो कैसा होगा? अरे तुम्हें भगा कर ले जाने वाला बालिके कोई खास ही होगा। लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे गुरुजी? अभी तुम रास्ते पर निकल जाओ, मार को जो भी भागता हुआ लड़का मिल जाए वही तुम्हें भगा कर लेके जाएगा। अरे वो भी तो गए नहीं बालक। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही है। अगर इस कलम से हमने कई लड़कियों को प्रेम पत्र लिख दिया और सभी फंस गई तो हम क्या करेंगे? खामोश। पहले इस कलम से जाके प्रेम पत्र तो लिखो। आपकी क्या समस्या है माता श्री? गुरुजी हमारी प्रॉब्लम गौर जी हैं। हम अपने गौर जी से अपने सन के लिए समथिंग मांगते हैं, वो पड़ोस के सन के लिए समथिंग दे देते हैं। गौर जी? गौर जी कौन है? गौर जी? अरे वो अंग्रेजी में ईश्वर जी को गौर जी बोलते हैं। ओ ईश्वर। गौर जी? हाँ। अरे माते श्री ईश्वर ऐसे ही थोड़े मिलते हैं।
उसके लिए तो बहुत जप तप करना पड़ता है, त्याग तपस्या करनी पड़ती है, अन्न जल का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर कहीं ईश्वर सुनते हैं हमारे। सच्ची गुरुजी? हाँ माते, हमने कई बार अन्न जल का त्याग किया है, अनशन किया है और ईश्वर ने हमें दर्शन भी दिया है। लाइक दिस है गुरुजी, तो हम भी गॉड जी को कॉल करेंगे और टुडे से ही ईटिंग ड्रिंकिंग सब क्लोज कर देते हैं। कितनी बार त्योहार को समझाए रहे, सोचने से पहले बोल लिया कर, बोलने से पहले सोच लिया कर। इमली, भगवान है मेहमान नहीं है कि जब जी चाहा बुलाया चले आया। मैं चुप रहूंगी कि मीना कुमारी काहे बनी बैठी हो, कुछ ना बोलने की कसम खाई है का है? अम्मा, अरे अम्मा तुम यहाँ बैठी हो, हम तुमका पूरे पटकापुर में छाना है। हमारी नौकरी लग गई है नेताजी की सिफारिश से, सुलभ शौचालय में पूरे 2,000 रुपया महीना पर। जोगन का है बन गई हो, पापा सेकंड में दंगा फसा हुआ है का? नहीं भैया, अम्मा ने कसम खाई है कि जब तक ईश्वर के दर्शन नहीं कर लेंगे ना, तब तक कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, ईश्वर के लिए कहाँ लेके जा रहे हो, छोड़ो। केस्टो मुखर्जी चुप पे टंगे रहो। अम्मा ये देखो ईश्वर को ले आए हैं, कर लो दर्शन। दर्शन? ये हमार दर्शन का करेगी, आज तक हम खुद ही के दर्शन नहीं किया। अम्मा ईश्वर के दर्शन हो गए, अब तो मुंह मीठा कर लो। अरे भैया, अम्मा इस ईश्वर के ना ही बल्कि गॉड जी के खातिर प्रण की है, अगर गॉड जी के दर्शन ना हुए ना तो अम्मा कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे। हाँ, आपको कहां से लाए? अरे मुंह जल गया, तो लस्सी पीते मुंह नहीं जलता, चाय से तो मुंह जले गई। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जो इमली भाभी है ना, उनका संकल्प पूरा होगा कि नहीं? अरे ओसामा चाचा, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अरे अम्मा कसम, चाची ने कहा है ना, तो ईश्वर आएगा जरूर। भूखे पेट में होए भजन गोपाला, अरे भूखे पेट कोई शक्ति आती है का? अरे सही कह रहे हो पंडित जी, हमारी अम्मा ने भी एक बार ऐसा ही संकल्प किया था, सब कुछ छोड़ दिया था उसने भी, खाना पीना दारू। दारू? अरे दवा दारू भैया। अच्छा तो उनको ईश्वर के दर्शन हो गए थे? दर्शन तो हो गए थे हाँ, पर ईश्वर के नहीं हुए भैया। तो किसकी? अरे यमदूत के दर्शन हो गए, हमारी अम्मा हमको छोड़ के ऊपर चली गई, यहाँ पे लगता हुआ छोड़ के अम्मा। अरे तो 15-20 साल पुरानी बात हो गई, अब आप काहे रो रहे हो? 15-20 साल पुरानी अम्मा अम्मा नहीं होती है का? अबे अम्मा तो अम्मा ही होती है, चाहे 15-20 साल पुरानी हो या 30 साल पुरानी, अम्मा तो अम्मा ही होती है कि नहीं? हाँ होती है। तो इसका मतलब बजरंगी भौजी यमराज के पास चली जाएंगी का? तो उधर भगवान भी मिल जाएंगे उन्हें, है ना? हम ये कह रहे हो सामा, हाँ अगर ईश्वर के दर्शन उन्हें यहीं पे हो जाते पटकापुर में, हाँ। तो मास्टर साहब का घर भी बसा रहता। नहीं मैं ये कर सकता हूँ। कैसे? मेरी अंदर बहुत बुरी क्वालिटी। जैसे? अरे मुझे 40 दिन का चिल्ला रखना पड़ेगा बस। चिल्ला बोले तो? अरे यार मैं विस्तार से समझाऊं क्या? और समझाना तो पड़ेगा। अच्छा क्या हुआ? 2 बजे रात की बात है। वो अपना जो वो है ना, वो देखो वो क्या? अरे वो पीपल का पेड़। अरे यार, अरे वो पीपल के पेड़ के बारे में मत कर भैया,
वो हमारी चाची एक बार पीपल के पेड़ के नीचे से निकल के जा रही थी तो पीपल के पेड़ के ऊपर जो वो चढ़लवा जो बैठी रहती है हमारी चाची का गर्दन ऐसे पकड़ के ऐसे उठा लिया और हमारी चाची बड़ी बड़ी आंखें निकाल के अरे मैं ये कह रही हूँ वो चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी। किसके? मेरे सामने कहने लगी मैं तुझे खा जाऊंगी। मैंने कहा खा? किसको? मुझे। डर गई। कौन? चुड़ैल। कैसे? ऐसे डर गई। अरे बाप रे। मैंने कहा सुन चुड़ैल, तू जिस नाखून से लोगों का कत्ल करती है। कैसे? कैसे? ऐसे। मैंने कैंची निकाली, नाखून पूरे काट दिए। कैसे? ऐसे कट 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 कट। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जब से लौटी नहीं उधर से। कौन? चुड़ैल। समझ रहे हो? मेरे सामने क्या है वो चुड़ैल जो है ना, मेरे सामने एक दिन खड़ी हो गई है ऐसे। अच्छा सुनो। हाँ सुनो। हाँ, हमको ना कुछ संकेत सा कुछ हो रहा है, हमारे पेट में भी कुछ गड़बड़ हो रही है। चुप रहो यार, सुनो यार, पहले पूरी बात। अरे पहले पूरी बात सुनो। अरे बापू, हम अरे सुनो यार, सुनो। अरे हम अकेले रहते हैं यार, तुम लोग तो कहाँ अपने घर चले जाओगे? पानी मिलाओ फिर चाय। गोविंदे मुनोय गोपाल मुनोय, कुछ नहीं हो सकत इस देश का। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। नीलू भैया, शुभ रात्रि। आज पैसा तो दो। हाँ हो गया, सोफे लोन पर बैठते हैं, चलो। हाँ चाचे, और क्या चाहिए? इधर। अरे अभी तुम जाओ, कल आना, जा जाओ। ए हमको बात की पड़ी यहाँ, हमको हमारी अम्मा की टेंशन हो रही, दो ही दिन से कुछ खाई तक नहीं है। तो अम्मा सच में क्या जाएगी का? हम नहीं ऐसा कह रहे, वो तो पटकापुर के लोग कह रहे हैं जुगाड़ू। वो कहे ना कि हमारी बकरी ने भी ना मरने से पहले खाना खाना छोड़ दिया था। नहीं चीनी, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपनी अम्मा को भूखे मरने नहीं देंगे। लेकिन चीनी, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी अम्मा कुछ खा ले? भैया 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 भैया, वो अम्मा, अम्मा बेहोश हो गई भैया। अम्मा जी। अम्मा। डॉक्टर साहब, कोनो चिंता की बात तो नहीं है ना? ये तो लगता है इनको वो हो गया है। अरे वो का? अरे वही वही जो हम खाते हैं। खाते तो बहुत कुछ है। अरे 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 वही जो सुबह सुबह बांग देता है। मुर्गा? हाँ, मुर्गा, मुर्गा गुनिया। मुर्गा गुनिया नहीं डॉक्टर साहब, चिकन गुनिया कहते हैं। हाँ हाँ, वही वही चिकन गुनिया। चिकन गुनिया? चिकन गुनिया कैसे हो सकता? अम्मा तो आज तक चिकन को हाथ तक नहीं लगाई ना। हाथ तक नहीं लगाया? तो फिर हमको लगता है इनको वो हो गया है। कूद मिलाओ। अरे वो जो गंदे पानी में तैरता है, जो इधर उधर कहीं भी रहता है, जो प्यार का एहसास करवाता है। मच्छर? हाँ मच्छर। हमको लगता है ना इनको लव का मलेरिया हो गया है। अरे डॉक्टर साहब, वो तो 25 साल पहले हो गया था, उसका तो इनके पिताजी ने इलाज भी कराए दिया था। ये देखो, ये सब छोड़िए, ये बताइए इनको बीमारी का है। तो कोई खुशखबरी? अरे खुशखबरी तो 22 साल पहले आई रही, पहली खुशखबरी ये रही। दूसरी खुशखबरी ये रही, 16 साल पहले आई रही। फिर चक्कर क्यों आया? अम्मा दो दिन से खाना नहीं खाई इसलिए। तो पहले क्यों नहीं बताया? चीनी यारों, संभालो।
के साथ तुम्हें भी टेबलेट देना पड़ेगा, समझे? अरे इनको मारो गोली डॉक्टर साहब, ये बताओ इनको का गोली देनी है? हाँ, ये लीजिए। पढ़ रहे हैं ना? एक गोली सोने के बाद एक गोली उठने से पहले, सोने से पहले एक गोली और उठने के बाद एक गोली। हाँ, उठने के बाद एक गोली, लेकिन दवा खिलाने से पहले भोजन खिलाना नहीं भूलिएगा। खिला देना, खिला देंगे। नहीं तो दवा का नहीं तो रिएक्शन कर जाएगी। तो हम जाएं? धन्यवाद डॉक्टर साहब, कुछ खा लो। पानी वाली पी लीजिए मुझे। तो हम जाएं? हाँ हाँ डॉक्टर साहब जाइए, कुछ खाएं, खाओगे? चाय बनाए? चाय बनाए? तो हम जाएं? अरे गए नहीं अभी तक आप। अरे आप मेरा पिसवा दीजिएगा तब ना जाएंगे। अरे डॉक्टर बाबू आप क्लिनिक पहुंचो, हम अभी आपकी फीस का जुगाड़ करके आते हैं। जल्दी जुगाड़ कीजिएगा, समझे? आओ एमिले। अच्छा डॉक्टर, कुछ खा लो। चाय बनाओ। डांट खाओगे तुम अब? हाँ भैया। राधे 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 राधे, राधे नहीं, राम भैया सीते सीते। अरे सरकार कैरेक्टर में भुला जाते हैं, चलिए करते हैं दोबारा। सीते राधे, अरे राधे नहीं राम भैया, सीते सीते सीते। करते हैं करते हैं करते हैं, बैठिए। सीते सीते जुगाड़ू। अरे अब ये जुगाड़ू कहाँ से घुस गया? अरे घुस गया ना दरवाजे से, देखिए क्या हुआ। राम भैया हमको तुम्हारी हेल्प चाहिए। हमारी हेल्प चाहिए? बोला किसको मारना पीटना गुड़ी में उठाना खाते ना। खैरो राम भैया, नाम राम है, काम हमेशा रावण के करते हो, लेकिन आज तुमको ना भगवान बनना होगा। वो कहा है ना, हमारी अम्मा कसम खाई है कि जब तक भगवान नहीं आएंगे ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। हमारी अम्मा बचा लो राम भैया, हमारी अम्मा की जान बचा लो राम भैया। ठीक है भगवान तो हम बन जाएंगे जुगाड़ू, लेकिन ससुर कहा है ना कि हम अपना कैरेक्टर में भुला जाते हैं, और जो 10 टाइम पे हम कैरेक्टर में भुला गए तो जानते हो सब लूट जाएगा जुगाड़ू। फिर हमारी अम्मा का क्या होगा राम भैया? हम भगवान नहीं बन सकते तो क्या हुआ? तुम तो हो, देखो तुम अपनी अम्मा को बढ़िया से जानते हो तो कैरेक्टर में रहोगे ना। हम तुम्हें बना देंगे यशोदा के नंदलाला। नंदलाला? राम भैया, राम भैया हमारी रिहर्सल का क्या होगा? अरे चाहे मर्दे हमसे ना हो ये रिहर्सल, हम जाएंगे पहले बगल के गांव में एक लड़की के उठा के लाएंगे, और करे बाद में हम रावण के कैरेक्टर में आएंगे। एक मिनट साइड भैया। राम भैया ये बताओ कि राम लीला में सीता के रोल के लिए लड़की का ही किडनैप काहे करते हो? लड़किया को देख देख के हम अपने कैरेक्टर वाला नहीं भुलाएंगे, फील होता रहेगा कि हम रावण हैं। तो चलो अभी तुमको भगवान बना देते हैं, चलो। अरे राम भैया रुको तो। भगवान आएंगे? बिटिया ये तो अपनी माँ भक्त इमली बाई से पूछना। ना पापा ने बताया कि भगवान कैसे आएंगे, ना अम्मा सुन रही है। जुगाड़ भैया को ढूंढते हैं, अब उन्हें बताएंगे कि भगवान कैसे आएंगे। चोर नहीं मैया, माखन चोर।
तुम्हारे कहने का मतलब है कि भगवान जी ने स्वयं तुमको दर्शन दिए हैं। लेकिन इस द्वार को वही खोल सकता है जिसने कभी जीवन में कोई पाप ना किया। ये हमारी राधा है, हम ही के कन्हैया है।